गोठन गांव में ये एक सुनहरी सुबह है। भारत के केंद्र नागपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोठन गांव में बने तिब्बती शरणार्थियों के इस अस्थाई तिब्बत कैंप में हम लोग हैं। सन 1960 में तिब्बत की आबादी का कुल 20% हिस्सा अपने धार्मिक और लौकिक नेता परम पावन दलाई लामा के साथ शरणार्थियों के रूप में तिब्बत से भारत आया। कारण था, तिब्बत में चीन के बढ़ते अमानवीय अतिक्रमण से तिब्बत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बचाना, उसे हर हाल में जिंदा रखना। यही कारण था कि सन 1970 में भारत सरकार ने भारत के अन्य प्रदेशों की तरह गोठन गांव को तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वसन के लिए चुना और लगभग 5,000 तिब्बती शरणार्थियों के एक जत्थे ने गोठन गांव की इस जमीन पर कदम रखा। तिब्बत के इन शरणार्थियों के निर्वासन की कहानी जितनी दर्दनाक रही, उतनी ही दर्दनाक रही यहाँ गोठन गांव में बसने की उनकी वो दास्तान जो सन 1971 में घटी। कहते हैं, शून्य से भी नीचे के तापमान में रहने के आदि इन तिब्बती शरणार्थियों ने जब मार्च की आग उगलती गर्मी में गोठन गांव की इस ज़मीन पर कदम रखा तो इस भयानक गर्मी के कारण तिब्बती शरणार्थियों के जत्थे के लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गए। इस भयानक त्रासदी से तिब्बती शरणार्थियों के पूरे जत्थे का मनोबल टूट गया, लोग वापस लौटने लगे। इतना ही नहीं तो यहाँ आने वाले शरणार्थियों के अगले जत्थे ने अपने राहें यहाँ से दूसरी ओर मोड़ ली और बाकी बचे शरणार्थियों ने इसे नियति मानकर यहाँ अपना बसेरा बसाया, अपनी भावी दुनिया की नींव रखी। आखिर इन्हें अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत को बचाना जो था। आज लगभग 43 साल बाद जब हम उनकी इस दुनिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम हिमालय के उस पार बसे तिब्बत को ही साक्षात यहाँ देख रहे हो। भगवान बुद्ध के धम्म सामर्थ्य से मिले अदम्य साहस के बल पर आज उन्होंने यहाँ अपने लिए एक अलग दुनिया का निर्माण किया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ प्रेम है, सद्भावना है, बंधुता है और सबसे बड़ी बात यहाँ भगवान बुद्ध का धम्म है। लगभग 1218 एकड़ की विशाल भूमि पर बसे इस तिब्बत कैंप को दो बस्तियों में विभाजित किया गया है जिनमें लगभग 1200 से 1300 लोग रहते हैं।
इन तिब्बतियों को भले ही अपनी ही भूमि से निष्कासित होना पड़ा हो, पर अपने कैंप में लगे अतिथियों का स्वागत ये लोग वैसी ही आत्मीयता से करते हैं जैसे भारत का हर परिवार अपने घर आए अतिथियों का करता है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस गेस्ट हाउस में यहाँ आया हुआ हर अतिथि ऐसे ही सुकून के साथ विश्राम करता है जैसे वो अपने स्वयं के घर पर ही विश्राम कर रहा हो। भारत सरकार से इन तिब्बती शरणार्थियों को अब तक स्थायी नागरिकत्व नहीं मिला है, इसलिए अपने सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक कामकाजों का लेखा जोखा इन्हें स्वयं ही रखना पड़ता है। यहाँ बने इनके ये दो बड़े ऑफिस बड़ी कुशलता से इस काम को अंजाम देते हैं। इनमें से पहला ऑफिस सेंट्रल ऑफिस कहलाता है और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। आइए जानते हैं ऑफिस के कर्मचारियों से इनकी विस्तृत भूमिका के बारे में। मेरा नाम चिरिंग चंजुम, मैं इस कैंप का सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर का मतलब है कि इस कैंप का वेलफेयर को देखना, जैसे कि एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक जो भी इस कैंप का प्रॉब्लम्स है वो मेरे पास आते हैं, तो मैं इस कैंप का हेड हूँ। तो जब हमारे कंट्री तिब्बत जब 1959 में चीन ने कब्जा किया, तब से इस हॉल में से दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा जी के साथ करीब 80,000 लोग भारत में शरणार्थी के लिए आए और भारत सरकार ने हमें यहाँ पर रहने का जगह दिया, बना दिया। और ये कैंप 1972 में शुरू हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जगह जो हम अभी यहाँ रह रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ ज़मीन है। और 1972 में हम जब यहाँ आए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लानिंग तो बहुत बड़ा ज़मीन मतलब तिब्बतियों के लिए देने का प्लान था, लेकिन उस वक्त गर्मी के मौसम में बैच बाय बैच आना शुरू किया। और उस वक्त जहाँ से बैच बैच करके आए थे वो लोग ज़्यादातर ठंडी जगह से आए थे, हिमाचल, तलावसी, धर्मशाला से। तो वो लोग ठंडी जगह से आए हुए और फिर यहाँ पर जब करीब मार्च के महीने में आया था, तो यहाँ पर फिर क्लाइमेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद बहुत से लोग मरे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बैच आना था वो पूरा नहीं आया, और जो यहाँ पे आ गया था वो लोग यहाँ पे बस गए। और 1972 से अभी तक यहाँ पर जो है, तो अभी आज का पॉपुलेशन अपने यहाँ का, अपने इस कैंप का 1,100 के करीब है और 200 हाउसहोल्ड्स है। तो हमारे इस कैंप को बनाने के लिए हम भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार है, और स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें हमारे गांव को बनाने में, हमारे जो घर है
हमारा अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं वो पूरा घर उस वक्त 1972 में पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बना के दिया था। और हमारे गांव के अंदर में जो आप कुआं देख सकते हैं वो पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बना के दिया है, तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार है। तो उस वक्त से अभी तक तो हमारा ये कैंप 1959 से लेकर अभी तक ऑल ओवर इंडिया में 37 टिबेटन कैंप्स है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ यही टिबेट कैंप्स है, ये अपने गोठन गांव में जो टिबेट है वो सिर्फ महाराष्ट्र में सिर्फ यही है। तो हमारे जो कैंप को इस्टेब्लिश करने का मकसद है कि एक दिन हम अपने देश को वापस लौटना और हम तब तक हम अपने कल्चर हमारे रिलीजन को प्रिजर्व करने हमारा उद्देश्य ये है। तो अभी तक तो भारत सरकार ने हमें बहुत बड़ा योगदान दिए है, लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ कुछ हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ के जो आसपास के पड़ोसी के गाँव में जो सड़कें हैं जो स्ट्रीट लाइट्स है ऐसे ही तरह हमारे अपने गांव में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा अगर मदद करेंगे तो हमें बहुत आभारी रहेगा, क्योंकि हमारे गांव में अभी रास्ता बहुत ख़राब है। बारिश के टाइम में स्कूल के बच्चे को आने जाना और दवा खाना का आने जो पेशेंट्स, क्योंकि स्कूल और जो दवा खाना है वो दो कैंप के बीच में होते हैं, तो इसके लिए अगर हम पक्का सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स तो ये दोनों अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें अगर प्रोवाइड करते हैं तो हमें बहुत आभारी रहते। तो ये हमारी हमारी ओर से रिक्वेस्ट है। हमारे देश अभी चाइना के कब्ज़े में है, तो हमारे बहुत से 75% के हमारे भाई बहन अभी चाइना तिब्बत में है। तो अभी वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, अभी एक के बाद चाइनीज़ के ख़िलाफ़ एक के बाद एक हमारे तिब्बती भाई बहनों आत्महत्या कर रहे हैं अपने आज़ादी के लिए। तो हम भारत सरकार से ये आशा करते हैं कि आप चाइनीज़ गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि जो आत्महत्या करने वाले जो उनकी डिमांड से वो चीन सरकार उन लोगों की मांगे सुनने, बस यही मेरी भारत सरकार से विनती है। इन कार्यालयों के बड़े से आंगन के पास ही ये बड़ी सी इमारत स्टाफ हाउस कहलाती है, जो सभी कर्मचारियों का निवास स्थान है। स्टाफ हाउस के पीछे हरे रंग में ये इनका कमिटी हॉल है, तो कमिटी हॉल के बगल में ही यूनियन बैंक की शाखा और उसकी ये इमारत। कहते हैं ये बैंक इन्हें स्वेटर का व्यवसाय करने के लिए ऋण देती है, पर अजीब बात यह है कि ऋण देते समय ये बैंक इनसे किसी भी तरह के कागजी दस्तावेजों की या लिखित जानकारी की मांग नहीं करती, क्योंकि जिस विश्वास के साथ बैंक इन्हें ऋण देती है उसी विश्वास के साथ यहाँ का हर निवासी इस ऋण की अदायगी भी करता है। निष्ठा और कर्तव्य परायणता की ऐसी मिसाल आज के ज़माने में शायद ही देखने को मिलती हो। ऑफिस के आंगन में बना ये शहीद स्मारक उन शहीदों की स्मृतियों में बनाया गया है जिन्होंने तिब्बत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपनी जान गंवाई। इस शहीद स्मारक की खास बात ये है कि इस पर लगा ये लाल रंग सिर्फ रंग नहीं बल्कि यहाँ के तिब्बती शरणार्थियों का अपना खून है। तिब्बती शरणार्थियों की मुख्य बस्ती की इन चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद हम तिब्बती शरणार्थियों की दूसरी बस्ती में पहुँचते हैं जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बस्ती में कुल 80 मकान हैं। इस वक्त हम दूसरी बस्ती के इस पूजा घर में हैं, क्योंकि दोनों बस्तियों में 2 किलोमीटर का लंबा फासला होने के कारण यहाँ के वृद्ध निवासी पूजा के लिए मुख्य बस्ती में नहीं जा पाते, इसलिए इन लोगों के लिए यहाँ ये पूजा घर बनाया गया है। आपने अपना इधर सबसे पहले तकलीफ जो रहता है सड़क का, जो सड़क अभी तक
हाथों में मणि नामक ये यंत्र घुमाकर ये वृद्ध महिलाएं अपने भीतर धम्म चक्र को गतिमान करने के कार्य में लगी हैं। साथ ही साथ धम्म पदों के इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों की मंगल कामना की प्रार्थना कर रही है। मेरा नाम चो जल्दी है, मैं यहाँ टिबेटन लोकल असम्बली का चेयरमैन हूँ। यहाँ पर लोकल असम्बली के मेंबर जो है टोटल 11 हैं। यहाँ ये सेटलमेंट का जो अकाउंटेंट पूरा हम बजट तैयार करते हैं और यहाँ हम लोग मीन जो यहाँ इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिबेट होता है कि जो सेटलमेंट में क्या वेलफेयर करना है, क्या क्या नहीं करना है। साथ में अपना इधर सबसे पहले तकलीफ जो रहता है सड़क का, जो सड़क अभी तक कच्ची सड़क है, यहाँ धूल फिरता है हमेशा, यहाँ बीमारी जाता होते हैं। दूसरी बात जो है जो नाल का है, यहाँ पर नाली नहीं बन चुका है। अभी तो बहुत सा प्रोसीड अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। जो हम मेन जो है यहाँ वीआर है, वीआर के उधर एक मेन रोड बनाने की कोशिश किए हैं। काफ़ी असेंबली में यहाँ रिक्वेस्ट किए हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मेन जो बुद्धिस्ट लोग है, बाकी इंडियन जो टूरिस्ट आते हैं, मेजोरिटी यहाँ वीआर देखने आते हैं, तो उस समय बहुत दिक्कत पड़ती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा जो है दाल पड़ा हुआ है, धूल से हवा जाता है तो पूरा धूल लग जाता है। इसलिए जो पकड़ वहाँ सड़क पक्का होना बहुत ज़रूरी मानते हैं। हम लोग मेन जो है यहाँ एग्रीकल्चर है, खेती है, और खेती साल में दो बार होते हैं लेकिन खेती से हम लोग पूरा यहाँ परिवार बढ़ नहीं जाते हैं। खेती से होता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हम धंधा भी करते हैं। लेकिन ये भी आजकल यंग लोग हैं वो खेती करना नहीं चाहते, वो खुद मतलब कम करना चाहते हैं लेकिन कम करने के लिए सुविधा नहीं है। बाहर जाएगा तो हम लोग रजिस्ट्रेशन RC के हिसाब से तो हमको कुछ सुविधा नहीं मिलते। जैसे हम बैंकिंग में जाएगा होम लोन नहीं मिलते तो बोलते हैं आप लोग के पास पूरा सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए बैंकिंग से लोन लेना चाहे तो लोन ले नहीं पाते हैं। इसलिए ये पूरा को देखते हुए हम सरकार से निवेदन है कि थोड़ा सा ये टिबेट कैंप में कुछ पर यहाँ पर आकर थोड़ा देखभाल करे और हमको सहायता मिले। पूजा घर में लगे इन दीयों की संख्या 108 है। तिब्बतियों में दिए लगाने की प्रथा काफी पुरानी है। तिब्बतियों का मानना है कि दीयों की संख्या जितनी ज्यादा होगी धम्म का प्रकाश उतना ही ज्यादा फैलेगा और अविद्या का अंधकार दूर होता चला जाएगा। यहाँ के तिब्बती शरणार्थी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से यहाँ के नहर का पानी पीने के कारण उनके काफ़ी लोग टाइफाइड जैसी बीमारियों का शिकार हो गए, इसलिए इन्होंने यहाँ ये वाटर प्यूरिफायर प्लांट बनाया जिसमें हर माह करीब 80,000 लीटर पानी शुद्ध किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ये लोग खुद पीने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ आसपास के गाँव में इसका वितरण कर इससे कुछ मासिक आय भी कमा लेते हैं। मेरा नाम कैलसंग है, मैं यहाँ टिबेट कैंप नोकियालिंग सेटलमेंट का MTCS कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। तो ये सोसाइटी यहाँ पर 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये सेटलमेंट 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो जब ये सेटलमेंट शुरू में जब इस्टेब्लिश हुआ था तब यहाँ पर बहुत सारे दिक्कत पड़ी थी। यहाँ पे जब लोग जब तिब्बत से आया था तब यहाँ का मौसम सूट नहीं होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग हर दिन बहुत सारे लोग गुजर गए थे। तो फिर भी जैसे कि दलाई लामा का कृपा से और बहुत सारे हमारा जो सिटी टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मदद से और दूसरे NGO की मदद से ये सेटलमेंट सेटअप हुआ था। तो उसके बाद दलाई लामा यहाँ खुद विज़िट करके यहाँ पे जो सब लोगों का आशीर्वाद दे के फिर यहाँ पे अभी तक टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 1,300 पॉपुलेशन है और यहाँ दो कैंप में हर कैंप में करीब 70-80 फैमिली मेम्बर्स है।
तो अभी ये सोसाइटी यहाँ पे अभी सेटलमेंट ऑफिस है जो सेटलमेंट का इमीडिएट देखभाल जो करते हैं और ओवरऑल सेटलमेंट का जो लॉन्ग टर्म इश्यूज है उसको देखभाल करने का जिम्मेदारी है। और यहाँ सोसाइटी जो 1974 में सेटअप हुआ था वो सोसाइटी के अंडर में 12 सेक्शंस है। तो ये सोसाइटी एक्चुअली रजिस्टर हुआ अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इट वाज रजिस्टर्ड एज अ रिसोर्स सोसाइटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड एज अ सर्विस सोसाइटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स। तो ये सोसाइटी का अभी हमारा जो ये नॉर्गेलिंग टिबेटन सेटलमेंट का सोसाइटी के अंदर में जो मेजर जो सेक्शंस है वो है राइस मिल एंड पेडी प्रोक्योरमेंट एंड फेयर प्राइस शॉप। अभी रिसेंटली रेशन शॉप्स भी स्टार्ट हुआ था। अभी जो हमारे यहाँ का मेन जो पॉपुलेशन का जो लिविंग क्या कहते हैं कि लिविंग बेस हो एग्रीकल्चर सेटलमेंट एग्रीकल्चर बेस सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस सेटलमेंट है। तो यहाँ का सभी लोग एक्चुअली एग्रीकल्चर बेस पॉपुलेशन है। तो बिसाइड लोग अभी सिंस एग्रीकल्चर इनकम इज़ नॉट स्टेपल वो इतना ये नहीं है तो बिसाइड एग्रीकल्चर फार्मिंग लोग यहाँ का सेटलमेंट का लोग सीजनल बिजनेस में भी जाते हैं और सीटेड बिजनेस फॉर 3-4 मंथ ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट लैक ऑफ इकोनॉमिक साउंड डेवलपमेंट। तो पीपल जो यहाँ के जो यंगस्टर है सब मेजरली मोस्टली यंगस्टर है वो दे आर गोइंग आउट फॉर द जॉब दे आर गोइंग आउट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। सो हियर इवन वेन वी इनिशिएट सम एक्टिविटीज and we face a problem of you know kind of people to participate in the initiatives. So generally but we are hoping that slowly things will get better and better and compared to 1974 to now the society has quite stand on its own. Now we are no more taking grants or taking assistance from others. We are stand on our own and still further we need to expand our activities. Thank you. कैंप की दोनों बस्तियों में कुल 2 नर्सरी स्कूल हैं जिनमें करीब 26 बच्चे हैं। इस वक्त हम दूसरी बस्ती के उस नर्सरी स्कूल में हैं जहां कुल 11 बच्चे हैं। तिब्बतियों में शिक्षा का अपना विशेष महत्व है। तिब्बती मानते हैं कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान ही होता है। इन बच्चों को यहाँ दोपहर के भोजन के साथ प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आगे जाकर यही बच्चे तिब्बत का भावी भविष्य संवारेंगे। कैंप की इस दूसरी बस्ती से निकलकर जब हम वापस मुख्य बस्ती की ओर लौटते हैं तो रास्ते में ही हमें कैंप का मुख्य स्कूल दिखाई देता है जिसे यहाँ के तिब्बती शरणार्थी सेंटर स्कूल कहते हैं। इस स्कूल में तिब्बतियों के कुल 40 बच्चों के साथ स्थानीय गाँव के बच्चे भी पढ़ते हैं। यहाँ इन्हें पहली से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ ही स्कूल में उन बच्चों को अपनी संस्कृति से भी परिचित कराया जाता है। इन बच्चों को इनके पारंपरिक पोशाकों में देखकर हमें सहज ही यहाँ तिब्बती संस्कृति की झलक मिल जाती है। एंगची और डमी नामक वाद्यों को बजाकर अपने पहले गीत में ये बच्चे अपने परम पावन दलाई लामा की स्तुति कर रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।
इनका दूसरा गीत इनके देश का राष्ट्रगीत है, जो ये लोग अपने देश के सम्मान में गाते हैं। इनका तीसरा गीत एक प्रचलित ओपेरा सॉन्ग कहलाता है। बड़ी शिद्दत से इन्होंने यहाँ अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। Show me something.
स्कूल से कुछ ही दूरी पर तिब्बतियों का अपना छोटा सा अस्पताल है, जहां तिब्बतियों के साथ साथ यहां के गांव के स्थानीय निवासियों की प्राथमिक उपचार के साथ साथ एलोपैथिक दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं। यहां रोगियों के लिए कुछ बेड भी हैं। एलोपैथी के इस अस्पताल के ठीक पीछे इनका आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, जहां रोगियों के बहुत पुराने रोगों को दूर करने के लिए एक निश्चित समय तक आयुर्वेदिक दवाइयों की मात्रा सेवन करने के लिए दी जाती है। मेरा नाम दावांगु है, मैं मेंसिकांग का स्टाफ हूँ। मैं यहाँ पर एक साल से काम कर रहा हूँ और ये सब हर्बल दवाई है, ये प्योर हर्ब से बना हुआ है। हमारे क्लिनिक पर डॉक्टर 9 to 5 होता है और संडे बंद रहता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे गांव से है। हम लोग नागपुर, वर्धा और रायपुर में भी कैंपेन में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं और बहुत सारे पेशेंट लोग पाइल्स का बीमारी, डायबिटीज़, कैंसर वगैरह का है, वो सब जो नया नया बीमार हुआ है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये दवाई और वो लोग बहुत सारे पेशेंट को राहत मिली है इस दवाई से। तिब्बतियों के इन दोनों अस्पतालों को भेंट देने के बाद हमने कैंप की मुख्य बस्ती में स्थित इस बौद्ध मठ का रुख किया। सन 1971 में तिब्बती बौद्ध भिक्खु ग्रुसपुंग रेम्पोचे बाकी अन्य तिब्बती शरणार्थियों के साथ तिब्बत से गोठन गांव के इस कैंप में आए। अपने कुछ शिष्यों के साथ उन्होंने यहां अपना आश्रम बनाया। बाद में जब 1996 में ये बौद्ध मठ बनाया गया तो 1996 से लेकर 2006 तक उन्होंने इस मठ का संचालन किया। इस बौद्ध मठ में भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ और भी कुछ मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ये मूर्तियां हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की एवं लेडी तारा की, जो एक बौद्ध भिक्खुनी हैं। तिब्बत के सभी दलाई लामा इन्हीं बोधिसत्व संत अवलोकितेश्वर के अवतार माने जाते हैं। इस मठ में हमें बाबा साहब की एक तस्वीर भी नज़र आती है। तिब्बती लोग बाबा साहब को भी एक बोधिसत्व के रूप में ही मानते हैं। वे कहते हैं बाबा साहब ने अपने जीवन में जो महान कार्य किया है वह कोई बोधिसत्व ही कर सकता है। बाबा साहब की तस्वीर के साथ ही हमें यहाँ एक तस्वीर हर जगह नज़र आती है, वो है तिब्बतियों के धार्मिक और लौकिक नेता परम पावन दलाई लामा की। तिब्बत में लामाओं की एक लंबी परंपरा रही है। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। तिब्बत में दलाई लामा परंपरा की शुरुआत सन 1578 में हुई। इसके बाद से अब तक तिब्बत में कुल 14 दलाई लामा हुए। वर्तमान दलाई लामा तिब्बत के 14वें दलाई लामा हैं, जिनका असली नाम तेंजित ग्त्सो है। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के आमदो प्रांत में हुआ। सन 1950 में उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में तिब्बत की सत्ता संभाली और तब से अब तक वो तिब्बत के धार्मिक व लौकिक नेता कहलाते हैं। आज पूरी दुनिया उन्हें शांति के महान दूत के रूप में जानती है। तिब्बतियों में मठों की परंपरा का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। तिब्बत के घरों में जन्म लेने वाले हर तीसरे बच्चे को तिब्बती लोग मठों को अर्पित करते हैं। आज इस बौद्ध मठ में पूजा करते ये बच्चे कल धर्म के महान गुरु कहलाएंगे। कैंप के इस बौद्ध मठ के बाद हम कैंप के स्थानीय निवासी फुनसुक यांगडू के घर पहुंचे और इनके घर की ओर जाते जाते रास्ते में हमें तिब्बती शरणार्थियों की ये राइस मिल नजर आती है।
इस अत्याधुनिक मशीन को सूरी प्लांट कहा जाता है। यहाँ के तिब्बती शरणार्थी और आसपास के गांवों के किसान अपने खेतों से निकला हुआ अनाज इसी राइस मिल से पिसवाते हैं। हर साल यहाँ लगभग 2000 क्विंटल अनाज पिसवाया जाता है। राइस मिल के बाद हम यहाँ के स्थानीय निवासी फुनसुक बांगड़ू के घर पहुँचते हैं। फुनसुक बांगड़ू ये पूर्व में भारतीय सेना के एक जवान रहे हैं। आयु के 16वें वर्ष में वे भारतीय सेना में भर्ती हुए और लगभग 27 सालों तक उन्होंने देश सेवा की। उन्हें भारत सरकार की ओर से मिले थे अवार्ड कारगिल में युद्ध के उनके अमूल्य योगदान के लिए। आज उनके घर में एक निजी पूजा का आयोजन किया गया है। कैंप के हर घर में एक पूजा घर बनाया गया है जिसे ये लोग विहार कहते हैं। कैंप के हर घर में अक्सर ऐसी निजी पूजाओं का आयोजन किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है घर की सुख शांति को स्थिर बनाए रखना। इन बड़े बड़े वाद्यों की आवाज़ों की गूंज के साथ सामने रखी पोथियों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये लोग घर से बुरी चेतनाओं को और तरंगों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इस मणि को घुमाकर अपने भीतर धम्म चक्र को गतिमान करते हैं। फुनसुक बांगड़ू के घर से विदा होकर हम पहुंचते हैं तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बनाए गए इस वृद्धाश्रम में, जिसे सन 1997 में इटली और स्विट्जरलैंड के सहयोग से बनाया गया है। इसमें कुल 34 कमरे हैं जिनमें लगभग 26 वृद्ध तिब्बती शरणार्थी निवास करते हैं। सेवा इन तिब्बती शरणार्थियों का सबसे बड़ा गुण है जो उन्हें मिला है महाकारुणी भगवान बुद्ध के चरित्र से। भगवान बुद्ध ने कहा है जो रोगियों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। वृद्धाश्रम में बसे इन वृद्धों की सेवा करके यहाँ का हर तिब्बती शरणार्थी एक तरह से भगवान बुद्ध की ही सेवा करता है। जैसा कि कैंप के हर घर में होता है, इस वृद्धाश्रम में भी वृद्ध तिब्बतियों के लिए एक बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है। इस विहार में भगवान बुद्ध की पूजा कर ये वृद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस पूरे तिब्बती कैंप का जायजा लेने के बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये हैं पूरे तिब्बती शरणार्थियों का मुख्य ऊर्जा केंद्र, कैंप का मुख्य बुद्ध विहार। इसे ये लोग महाविहार भी कहते हैं। सन 1997 में इन तिब्बती शरणार्थियों ने इसे अपने पीपल फंड से बनाया है। ये बौद्ध विहार सिर्फ यहाँ के तिब्बती शरणार्थियों के लिए ही श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले कई लोगों के लिए भी ये एक तीर्थ स्थान की तरह है। हर रोज यहाँ दूर दूर से कई लोग भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए आते हैं। इस विहार में
भगवान बुद्ध की मूल वाणी की 108 हस्तलिखित पोथियां रखी गई हैं। तिब्बती लोग भगवान बुद्ध के धम्म को 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग बुद्ध फिलॉसॉफी कहलाता है, दूसरा भाग बुद्धा साइंस कहलाता है और तीसरा भाग है बुद्धा रिलीजियस। इस बुद्ध विहार में हमें तिब्बत के 15वें दलाई लामा की तस्वीर भी देखने को मिलती है, जिसे ये लोग पंचेन लामा के नाम से पुकारते हैं। तिब्बती बताते हैं कि 6 वर्ष की आयु में चीन ने उनके पंचेन लामा का अपहरण कर लिया और अपने पास बंदी बनाकर रख दिया। कोई नहीं जानता कि इस वक्त पंचेन लामा कहाँ है, और इसीलिए पूरे तिब्बत ने इस बार अपने 15वें दलाई लामा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सन 1954 में बाबा साहब ने तिब्बत में चीन के बढ़ते प्रभाव पर संसद में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यदि इस वक्त तिब्बत को चीन के अनियंत्रित प्रभुत्व से नहीं बचाया गया तो एक दिन चीन भारत के लिए एक भावी खतरे के रूप में उभरेगा। बाबा साहब का यह कथन बिल्कुल सही साबित हुआ। आज भारत को तिब्बत में चीन के अतिक्रमण के कारण भारत तिब्बत सीमा हिमालय की सुरक्षा पर रोज कई करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरा संकेत है। तिब्बत में बौद्धों की हुई अमानवीय हत्या के बाद तिब्बती अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। बावजूद इसके भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री की शिक्षा से ओतप्रोत इन शांतिप्रिय तिब्बतियों ने कभी भी चीन की हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। आज भी पूजा में बैठे ये लोग चीन की मंगल कामना की ही प्रार्थना करते हैं। अपने को महायान पंथी कहने वाले इन लोगों के मंत्रों में अपने से ज़्यादा संसार के दूसरे प्राणियों के कल्याण का ही भाव छिपा है। जीवन की तमाम कठिनाइयों पर मात करते हुए भगवान बुद्ध के प्रज्ञाशील करुणा के मार्ग पर चलते हुए ये लोग अपने जीवन के दुखों और तकलीफों को ऐसे ही ठोकर मारते हैं जैसे सम्यक समाधि में लीन कोई साधक अपने मन में आए बुरे विचारों को और बुरे विकारों को ठोकर मारता है। गोठन गांव में बसे इन तिब्बती शरणार्थियों के लिए जीवन एक संग्राम है, और इस संग्राम में इन्हें हर हालत में जीत हासिल करनी है, अपने अस्तित्व को बचाकर रखना है ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी इसी तरह खुशी से उछलते कूदते अपना जीवन बिता सके, धम्म की परंपरा को जिंदा रख सके। भगवान बुद्ध के धम्म के सहारे ये सभी तिब्बती शरणार्थी भले ही भारत की इस भूमि पर शील सदाचार और खुशहाली का जीवन बिता रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि से दूर होने की टिस इनके मन में आज भी बाकी है। डूबते हुए हर सूरज के साथ ये उम्मीद करते हैं कि अगले दिन निकलने वाला सूरज उनके लिए वो शुभ संदेश लेकर आएगा जब इनके कदम अपनी मातृभूमि पर पड़ेंगे और तिब्बत की जमीन एक बार फिर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि के त्रिरत्नों से गूंज उठेगी।